आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या बोलते हैं बैंडीकैम से हम किसी भी गेम को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या किसी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बैंडीकैम क्यों यूज़ करें? बैंडीकैम बहुत ही अच्छा ऐप है रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने बहुत सारे ऐप यूज़ करे हैं, जैसे OBS भी यूज़ करा, फैब भी यूज़ करा, रैप्टर भी यूज़ करा, लेकिन बैंडीकैम एक नंबर ऐप है। तो चलो बताते कैसे इससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, किसी भी गेम या स्क्रीन रिकॉर्डिंग। पहले ऐप इसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। एक ये पैड बना हुआ है, गेम पैड, इसे गेमिंग के लिए यूज़ करा जाता है अगर रिकॉर्ड करना हो तो गेम। ये स्क्रीन के लिए होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो तो। HDMI हमारा ये कैमरा, वेबकैम। तो आप यहाँ से यू देख सकते हैं आपको क्या रिकॉर्ड करना है। अगर गेम करना है तो इस गेम पैड पे क्लिक कीजिए, अगर स्क्रीन करनी है तो यहाँ क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सीधा, अगर गेम रिकॉर्ड कर रहे हो तो सीधा गेम ओपन कीजिए और चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपके कुछ ग्रीन कलर में नंबर्स लिखे आएंगे, जो FPS होते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड, आपको पता होगा। मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कोई गेम चला के। तो पहले आपने बैंडीकैम अपना ओपन कर लिया है। बैंडीकैम ओपन करने के बाद आपको अगर गेम रिकॉर्ड करना है तो इस पे दबाना पर क्लिक करना पड़ेगा, अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो इस पे क्लिक करना है। फिलहाल मैं आपको गेम रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और रिकॉर्ड का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे कुछ कह रहा है कि टारगेट विंडो इज नॉट सेलेक्टेड, आपको स्विच करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड पे। तो यहाँ पे नो कीजिए और अपना गेम चला लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर बेसिकली अपने FPS होते हैं। तो अभी ग्रीन नंबर, ग्रीन कलर क्या आया है, इसका मतलब है कि हमारी रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हमें F12 दबाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे आ गए हैं रेड कलर के नंबर, तो मतलब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे करके आप कोई भी गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कभी भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर